फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा सा हल्का आता है, थोड़ा सा इजी आता है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया था। सबसे पहले रीजनिंग की बात करूँ तो इनइक्वालिटी के दो क्वेश्चंस आए थे, ब्लड रिलेशन जो कि लगभग 8 पर्संस का ब्लड रिलेशन हमको एस्टेब्लिश कराना था उसका 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं उसके 3 क्वेश्चंस आए थे, और जो 7 पर्सन का एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट आया था 5 क्वेश्चन था यानी 5 मार्क्स, सर्कुलर बेस्ड सर्कुलर पजल आया था, वर्टिकल स्टैकिंग यानी एक के ऊपर एक जिस तरीके से बिठाया जाता है तो उसके ऊपर जो है 5 क्वेश्चन आया था, 8 पर्सन्स के थे, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ मैंने आपको बता दिया, 5 क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछा गया था, और वो जो कंसोनेंट्स वावल्स का एक क्वेश्चन आता है वो भी एक एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, और इस तरीके से रीजनिंग जो है वो काफ़ी ड्यूएबल था, आप काफ़ी आराम से 30+ अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो फिलर्स कुछ डबल फिलर्स और कुछ सिंगल फिलर्स 5 क्वेश्चंस पूछा गया था, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की बात करूँ तो 6 क्वेश्चंस आए थे, और पैराजम्बल 5 क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था, और आरसी से पता ये चल रहा है कि 8 से 9 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे, और क्वांट की बात करूँ अगेन इंग्लिश की अगर मैं बोलूँ आप सभी को तो फिर 25+ आप लोग आराम से बना सकते थे। क्वांट की बात करें दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था 12 क्वेश्चंस से मसलन, और मिसिंग नंबर सीरीज़ आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं आया था उसका 5 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, एक लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा गया था जो मेल फीमेल का था वो काफ़ी ड्यूएबल था काफ़ी इजी था उसका 5 क्वेश्चन पूछा गया था, और एरिथमेटिक मिसलिनियस एरिथमेटिक आई थिंक प्रोबेबिलिटी या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसका डेटा तो मेरे पास नहीं है लेकिन मिसलिनियस एरिथमेटिक इससे जो है 12 क्वेश्चंस आए थे, तो कहीं ना कहीं मैथ्स भी बनाने लायक था। सो आई बिलीव कि 85+ शायद आप लोग बना सकते हो, अभी तक देखिए अब बहुत कम रिव्यूज़ है, एक शिफ्ट को लेके 5-6 लोगों का रिव्यू सुन के अगर आप बता दें कि 85+ अटेम्प्ट है तो वो गलत भी हो सकता है, हो सकता है कि कईयों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए क्या रहा, आप लोगों ने अगर पहला शिफ्ट दिया है तो कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए कि कितना अटेम्प्ट आप लोगों को लगता है कि ये सही रहेगा फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, एंड एज द डे पासिस और जैसे ही आपको दूसरे शिफ्ट्स के रिव्यूज़ आपको सुनने को मिलेगा आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे वी विल वेरी क्लियर कि अगर आज पहला दिन ऐसा आ रहा है तो सेकेंड डे में भी क्या आ सकता है, 27 तारीख का परीक्षा क्या हो सकता है। सो अगेन अगर आपको लगता है कि आप शेयर करना चाहते हैं कोई रिव्यू तो डेफिनेटली मुझे इंस्टाग्राम पे बिल्कुल मैसेज करिएगा SFY_आशीष। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत, शुभ आखिर, लव यू, अपने शेयर का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नमस्कार।